कंपनियों में एक अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, उस कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट लोग किस किस प्रकार के अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, सीनियर अकाउंटेंट लोग जो होते हैं उस कंपनी में वो अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से काम करते हैं, तो इस प्रकार के ये जो बेसिक क्वेश्चन है अक्सर लोग कमेंट में ये पूछते रहते हैं और ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन चलता रहता है कि जूनियर अकाउंटेंट कौन सा होता है, सीनियर अकाउंटेंट कौन सा होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों की वर्किंग क्या रहती है। तो काफी सारे लोग मानते हैं कि अकाउंटेंट का जो काम है वो केवल टेली सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर एंट्री करने का होता है, उसके बाद में अकाउंटेंट का कोई काम नहीं होता। और काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी बात भी चलती है कि हम टेली सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद में क्या हम भी जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट बन पाएंगे क्या। तो अगर आपके दिमाग में भी इस टाइप के सवाल चल रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो अकाउंटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी बेसिक बातों पर डिस्कस करेंगे भी अकाउंटेंट का रोल कंपनी में क्या होता है और क्या क्या एक अकाउंटेंट होने के नाते उसको उस कंपनी से जो जितने भी कंप्लायंस है वो देखने होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुतार और स्मार्ट कंप्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे, यानी कि सीनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखो, सीनियर अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से होती है। एज ए अकाउंटेंट होने के नाते मैं आपको ये बात बता रहा हूँ किस प्रकार से सीनियर अकाउंटेंट को देखा जाता है। सबसे पहला दो तरीके से देखा जाता है, इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा, जिसको वर्किंग एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, क्योंकि अकाउंटेंट फील्ड के अंदर जब हम किसी कंपनी की रियल अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर उस अकाउंटेंट का वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। उस मतलब अकाउंटेंट को किसी भी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर कितने सालों का एक्सपीरियंस है। और जो दूसरा इसका क्राइटेरिया होता है वो होता है उसकी एजुकेशन, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहला आ जाएगा उसका अकाउंटिंग के फील्ड में वर्किंग एक्सपीरियंस वो कितने सालों का है, और दूसरा एजुकेशन उसकी क्वालिफिकेशन। और जूनियर अकाउंटेंट क्या होता है, जूनियर अकाउंट को हम एक तरीके से कह सकते हैं भी जो सीनियर अकाउंट के जो अकाउंटेंट के जो असिस्टेंट होते हैं वो लोग जूनियर अकाउंटेंट होते हैं। अब अपने बात करते हैं भी इन दोनों में जूनियर अकाउंटेंट का क्या रोल होता है और सीनियर अकाउंटेंट का क्या रोल होता है। देखो, सबसे पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कंपनियों में जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत कब पड़ती है, जबकि उसके अंदर ऑलरेडी सीनियर अकाउंटेंट है तो जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत कब पड़ती है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, और इस एक कंपनी ने अपना बिजनेस और ज्यादा फैला लिया, बहुत ज्यादा अपना बिजनेस के अंदर इन्होंने डेवलप कर लिया, तो अब क्या होगा भी जो ऑलरेडी अकाउंटेंट लोग होंगे तो उनको ब्रांच वाइज भी अलग अलग है जो अकाउंटिंग संभालनी पड़ेगी। तो अब एक आदमी कितनी ब्रांच का काम संभालेगा, तो उसको आखिरकार कोई ना कोई अपना एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। असिस्टेंट रखने का मतलब क्या बन गया भी जो कंपनी की बेसिक ट्रांजेक्शन है, यानी कि जितनी भी हमारी कंपनी की जो रूटीन की जो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन रखना, यानी कि डे टू डे की ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर चाहे वो कंपनी कोई भी यूज करती हो, टेली सॉफ्टवेयर यूज करे, बीजी सॉफ्टवेयर यूज करे, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर वो लोग है जो करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के अंदर जब तक उनका कोई असिस्टेंट नहीं होता तब तक ये सारा काम वो सीनियर अकाउंटेंट लोग ही करते रहते हैं। जैसा कि उस कंपनी के अंदर रूटीन का जो वर्क आ गया, कंपनी की टोटल परचेज, सेल बिल की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है, परचेज ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन है कंपनी की बेसिक वो सारे रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद में जैसे जैसे कंपनी अपना बिजनेस और ज़्यादा डेवलप कर रही है, और ज़्यादा ब्रांचेज ओपन कर रही है, तो वहाँ पर वो सीनियर अकाउंटेंट लोग क्या आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा उनका शेड्यूल बिजी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में उनको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो बेसिक्स काम है ये काम उनको अपने असिस्टेंट यानी कि उस जूनियर अकाउंटेंट को संभाल देंगे। भी अब आप जो कंपनी की जो बेसिक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपको करनी है, जो मान लीजिए टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अब आप लोगों को ये सारा काम है जो प्रिपेयर करना होगा, सारा काम ट्रांजेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या होगा भी अब जूनियर अकाउंटेंट का काम हो गया भी उसके अंदर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर एंट्री कर लेगा। अब यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट लोगों का जो काम है कुछ हद तक हल्का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जो जूनियर अकाउंटेंट लोगों ने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है उसके अंदर उन सभी को विजन रखना,
यानी कि उन अकाउंटिंग मतलब एंट्री को प्रॉपर एक बार देखभाल करना वो सीनियर अकाउंटेंट लोगों का काम हो जाएगा। अभी जूनियर अकाउंटेंट ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, हो सकता है वो बिल्कुल फ्रेशर हो, तो वो सीनियर अकाउंटेंट लोग उसको एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात आएगी सीनियर अकाउंटेंट लोगों का, ये काम तो हल्का हो गया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो सारी की सारी जूनियर अकाउंटेंट लोगों ने कर दी, यानी कि उनके असिस्टेंट लोगों ने कर दी। अब उसके बाद में कंपनी के जो टैक्सेशन जो वर्किंग है, उनके जो टैक्सेशन कंप्लायंस है, अब वो लोग क्या करेंगे, सीनियर लोग इसको देख रहे होंगे। जैसे उस कंपनी की जीएसटी रिटर्न फाइल है, अब वो भी उनको तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर उनकी कंपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रही है तो उसके अंदर प्रॉपरली उनको टाइम पे कंपनी की GST R1 है, GST R3 भी है, ठीक है, कंपनी का टोटल 2A है, 2B है, बुक्स के साथ ITC है, जो उसको रिकंसिलेशन करना वो सीनियर अकाउंटेंट लोगों का काम रह जाएगा। अब कुछ रिटर्न कंपनी की जैसे ईयरली है, 9 है, 9C है, तो वो भी सीनियर अकाउंटेंट उनको लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में मंथली कंपनी की अगर GST टैक्स डिपॉजिट करवाने की अगर लाइबिलिटी बन रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी बन रही है, तो वो भी सीनियर अकाउंटेंट लोग देखेंगे। उसके बाद में उस कंपनी के अंदर मंथली जो TDS है वो भी डिटेक्ट करना होता है, TCS है वो भी रूटीन के अंदर कलेक्ट करना होता है। तो ये सारा का सारा काम जितना जूनियर अकाउंटेंट लोगों ने उन लोगों को करके दिया था, तो वो काम उस काम के अंदर से ये सारा का सारा काम है जो सीनियर अकाउंटेंट लोग इसको संभालेंगे। उसके बाद में बुक्स फाइनल करना कंपनी की, बुक्स फाइनल करने का मतलब हो गया जब ईयर एंड के अंदर बुक्स फाइनल करी जाएगी 31 मार्च के बाद में पूरे फाइनेंस ईयर के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, कोई फिक्स असेट के चार्ट है, तो ये काम भी सीनियर अकाउंटेंट लोग देखेंगे। हालांकि ये धीरे धीरे जो जूनियर अकाउंटेंट लोग हैं वो भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में कंपनियों की ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैंक से लिमिट भी चलती है, बैंक से लोन भी उनका चलता है, तो अब टाइम टू टाइम उन सभी को लोन को रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो उस दौरान बैंक को एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्टेड है, बैलेंस शीटें भी तैयार करके उनको देनी पड़ती है, और सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो भी बैंक मांगते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, ये सीनियर लोग वहाँ पर उनको प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि ये जूनियर अकाउंटेंट लोग हैं, ये सीनियर अकाउंटेंट लोगों का आधा काम लगभग कर देते हैं, कौन कौन सा, वाउचर एंट्री करने का, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट, कॉन्ट्रास्ट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इन सब का काम है जो काम है जूनियर अकाउंटेंट होते हैं। अब उसके बाद में धीरे धीरे कंपनी मान लीजिए और ज़्यादा अपने बिजनेस को डेवलप कर रही है, और ज़्यादा ब्रांचें खुल रही है, तो अब धीरे धीरे जो आज के टाइम में जूनियर अकाउंटेंट है, अब उन लोगों की भी ये लाइबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, भी अभी तक जो काम सीनियर अकाउंटेंट लोग संभाल रहे थे, अब वो काम अभी जूनियर लोगों को भी संभालना पड़ेगा। अब उसके बाद में कंपनी के अंदर और ज़्यादा वैकेंसी भी आएगी अकाउंटेंट की, तो उसके बाद में जो लोग आएंगे बाद में जूनियर अकाउंटेंट लोगों के बाद में, तो ये जूनियर अकाउंटेंट लोग हैं उस वक्त सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने इनके पास भी इनकी हेल्प करने के लिए असिस्टेंट हो रहा है, तो वो जूनियर अकाउंट हो जाएंगे, जो जूनियर थे वो सीनियर हो जाएंगे, जो पहले सीनियर थे वो भी किसी वक्त मतलब किसी के अंडर में थे तो वो भी एक जूनियर अकाउंट थे। तो यानी कि ये जूनियर और सीनियर अकाउंटेंट का मतलब बन गया भी ये इनका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है और इनकी एजुकेशन होती है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लोगे, यानी कि सीनियर अकाउंटेंट जिसको अकाउंटिंग फील्ड ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में अगर कोई अकाउंटेंट आएगा तो जाहिर सी बात है उसका असिस्टेंट होगा, यानी कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट होगा। तो अब उसके बाद में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन इस प्रकार का भी होता है भी क्या अगर हम टेली सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं, तो अक्सर ये हर टाइप के अकाउंटेंट के दिमाग में जो बिल्कुल फ्रेशर होता है, जो अकाउंटेंट बनने की इच्छा रख रहा है, जो अभी प्लानिंग कर रहा है अकाउंटेंट बनने की, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या मैं टेली सॉफ्टवेयर को सीख लूँ तो क्या मैं भी जूनियर अकाउंटेंट बन जाऊँगा, क्या मेरे को भी एक तरीके से जॉब मिल जाएगी अकाउंटेंट की पोस्ट पर। बिल्कुल मिल जाएगी, बट इसके लिए आप लोगों को टेली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर आपको टेली सॉफ्टवेयर कोई बुक से या किसी नोट्स से अगर आप सीख रहे हो तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होगा, हर तरीके से एक पूछा जाएगा भी आपको टेली सॉफ्टवेयर में काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप लोग क्या कहोगे भी अभी तक हमें एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन हमने टेली सीखा हुआ है। तो टेली सीखने के भी दो तरीके, एक प्रैक्टिकल तरीके से और दूसरा बुक से। तो बुक्स वाला आपको दिखते करेगा, अगर आपने इसको प्रैक्टिकल तरीके से सीखे हैं
बिजनेस के ओरिजिनल रिकॉर्ड को टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से इनकी एंट्री करते हैं और किस तरीके से उसके हमारे जो टैक्सेशन कंप्लायंस है वो किस तरीके से तैयार होती है, जीएसटी की रिपोर्ट, टीडीएस की रिपोर्ट, इनकम टैक्स की रिपोर्ट वो किस तरीके से प्रिपेयर होती है, वो सब अगर आप लोग देखने आता है, वो तैयार आप लोगों को तैयार करनी आती है, तो आपको एज ए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे 100% आपको जॉब मिलेगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन थे वो आपको उनके आंसर भी मिल गए होंगे। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी।